24/7 लाइव टीवी से मैं हूं प्रतीक्षा और मातु, आइए नजर डालते हैं जिले से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। ग्राम सभा राजेपुर धामा जनपद अम्बेडकर नगर में रामलली का मकान है। उनका कहना है कि गांव में ना कोई जाने का ठीक से रास्ता है और ना ही बिजली खंभों की व्यवस्था है, ना ही सड़क की व्यवस्था है, और रामलली सिंह की सड़क ना होने की वजह से खेत ऐसे पड़े हैं। बताते हैं कि यह प्रधान पप्पू सिंह की लापरवाही है, प्रधान अपनी मनमानी से काम कर रहे हैं। वहीं लली सिंह का कहना है कि उनके पति महात्म सिंह प्रधान से कहते कहते मर गए, लेकिन प्रधान के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वहीं लली सिंह का कहना है कि जल्द ही हम जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। गांव में अभी आधे से ज़्यादा लोगों का राशन कार्ड तक नहीं बना है। शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें और जिससे गरीबों का कल्याण हो सके। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए रिमझिम सिंह की रिपोर्ट। ग्राम प्रधान की इतनी धोखेधड़ी है कि भाई साहब आप देख सकते हैं पूरे वीडियो में, ये कुआं हम आपको दिखा दें, इससे घर की दूरी आपको दिखा दें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा कि घर की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर, 2 से 3 मीटर आप मान के चलिए, 2 लाठे भी नहीं है, यानी कि 10 से 20 फीट, ज़्यादा से 20 फीट भी नहीं है, 10 से 8 फीट है, और इसमें कोई भी गिर सकता है। कि ग्राम प्रधान का क्या नाम है आपके? पप्पू सिंह। कितने साल से प्रधान है? मतलब 4 साल पूरे हो गए। 4 साल की प्रधानी में इनको एक कुआं नहीं दिख रहा है, और इस गांव में हमने देखा कि रास्ता नहीं है, यानी कि साइकिल आने तक का रास्ता नहीं है। आपकी पानी अगर बरस जाए पैदलों ना आदमी जा सकता, वहाँ वाला चल के फोटो ले सकते, देख ही सकते। उसके बारे में बताइए आप, क्या है वहाँ पे दिक्कत, क्या है वहाँ? हमारे है के जैसे कि चेक है और यह भी चेक है, बीच में नाली है, आपका खेत पड़ती पड़ा है अभी? हमारी खेत पड़ती पड़ा हुआ, पड़ती में भैया छिटे भाई। कितने दिन से पड़ती पड़ा है? नहीं, वो तो पड़ती ऐसा पड़ा रहा है, या तो आगे हम जोतवाई या तो आगे हम बोवाई, तब वो जो आगे वाले जो जोत बोले गाड़ी टक्कर ना जाए पावर। आप देख सकते हैं जहाँ पर गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कोशिश चल रही है, वहीं पर योगी सरकार के इन कारनामों पर प्रधान और ग्राम प्रधान सदस्य BDC सब मिल करके गांव पे कैसे धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये देखिए आप, कुआं देख लीजिए, कुएं की गहराई देख लीजिए, और साथ ही साथ देख लीजिए घर की दूरी कितना है, 8 फीट भी नहीं है, 8 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 फीट है। और बताया जा रहा है कि इस गांव में रास्ता भी, आपको हम थोड़ी देर में दिखाते हैं कि रास्ते की क्या हालत, ये देख लीजिए रास्ता है, ये जूम करके हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए रास्ता, आने का रास्ता ये है, ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से ऐसे रास्ता, जंगल राज दिख रहा है, पूरा जंगल की तरह दिख रहा है, ये गाँव है। घर तो इतना सुंदर बना हुआ है लेकिन आने जाने का रास्ता नहीं है, आप देख सकते हैं 2 व्हीलर भी नहीं आ सकती है। अभी आगे का चित्र हम आपको दिखाएंगे, जो खेत की बात है, खेत की बात हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। कैमरामैन विकास के साथ मैं विकास सिंह। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।